हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल UIS पर। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं काउंटर बैलेंस वॉल का क्रॉस सेक्शन व्यू। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको काउंटर बैलेंस वॉल का हाइड्रोलिक सर्किट में कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है ये बताया था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की थी। अभी आज हम इसके क्रॉस सेक्शन व्यू की मदद से समझेंगे कि उस काउंटर बैलेंस वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, इसमें जो काउंटर बैलेंस वॉल का जो अंदर क्रॉस सेक्शन व्यू में जो हमको जो जो पार्ट्स है विजिबल हैं, क्या क्या है उनके नाम देखिए। सबसे पहले तो ये कंट्रोल ब्लॉक है जिसके अंदर ये पूरी असेंबली फिट होती है। ये हमने जैसे आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में भी कि एक रिलीफ वॉल और चेक वॉल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारा ये चेक वॉल है और ये कंप्लीट असेंबली ये हमारी रिलीफ वॉल है, जिसमें कि हमारा ये बाइस स्प्रिंग, एडजस्टिंग स्क्रू और ये पॉपेट से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हमारा देखिए, इस ब्लॉक में हमारे तीन पोर्ट हैं। पोर्ट ए जो कि फ्लो हमारा पंप से आ रहा है, पोर्ट बी जो कि हमारा फ्लो सिलेंडर की तरफ जा रहा है, और ये पायलट प्रेशर पोर्ट, इसमें एक्सटर्नल पायलट दिया हुआ है। कुछ है ऐसा हमारे कुछ वॉल्स में इंटरनल पायलट की भी सुविधा होती है। उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा ये यहाँ से एक्सटर्नल पायलट ना देते हुए ये पायलट लाइन हमारी डायरेक्टली यहाँ से होते हुए कि डायरेक्टली बी पोर्ट से इंटरनली कनेक्ट होती है, वो इंटरनल पायलट होता है। इसमें हम आपको एक्सटर्नल पायलट के थ्रू इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे इसका वर्किंग। अभी देखिए किस तरीके से वर्किंग करता है। सबसे पहला पोजीशन क्या है, पंप से ऑयल फ्लो हो करके सिलेंडर के, सपोज करिए बी पोर्ट हमारा कनेक्ट है हाइड्रोलिक सिलेंडर के रॉड एंड में, तो रॉड एंड की तरफ ऑयल का वॉल्यूम जाने का पाथ हम समझेंगे कैसा है। ए पोर्ट से यहाँ पर आता है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे फ्री फ्लो है, ये बॉल को चेक वॉल के बॉल को पुश करके यहाँ से इस तरीके से जाता है। अब यहाँ से इस तरफ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पॉपेट के कारण क्लोज है, और फिर यहाँ बी पोर्ट की तरफ फ्री फ्लो होने के कारण बी पोर्ट से हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर के रॉड एंड की तरफ कैविटी फिल करता है। अब वहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाने के बाद हमारा डीसी वॉल का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, वो आइडल कंडीशन में आ जाता है, और उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर ये प्रेशर होल्ड करके रखता है। प्रेशर होल्ड किस तरीके से करता है, अब यहाँ से आ जाने के बाद ये प्रेशर यहाँ पर कट ऑफ हो गया, ए पोर्ट से अभी कोई भी ऑयल का फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी प्रेशर बना हुआ है उसको लीकेज होने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो ये पॉपेट के पास से और एक ये चेक वॉल के पास से। तो चेक वॉल पे हमारा ये जो रिटर्न यहाँ से जो प्रेशर आने की कोशिश करेगा वो इस चेक वॉल के लिए पायलट प्रेशर की तरह काम करेगा, ये बॉल की तरफ बॉल के ऊपर यहाँ पर एक्ट करेगा, एक्ट करने से ये इसको पुश करके रखेगा, और ये पुश करने पर ये बॉल के यहाँ पर जो सिटिंग बनी होती है ये यहाँ पर सील करके रखता है, यहाँ से प्रेशर लीक नहीं होने देता। दूसरा है ये यहाँ पर पॉपेट का जो ये सिटिंग है, ये जहाँ पर चैम्पर पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इसकी सिटिंग होती है जिसपे परफेक्टली सील करता है, यहाँ से भी कोई ऑयल लीकेज नहीं होने देगा, और यहाँ पर भी हमारी जो सिटिंग है पॉपेट की यहाँ से भी कोई ऑयल लीक नहीं होगा। अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि हमने इसको हमको जो भी प्रेशर रिक्वायर्ड है या जितना भी हम चाहते हैं कि अभी सपोज हम रॉड एंड साइड में हमारा जो भी प्रेशर बना हुआ है उसके अगेंस्ट में जब कैप एंड साइड में कोई प्रेशर जाएगा तो रॉड एंड साइड का प्रेशर रिलीज होने के लिए हमको जितना यहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत है, जितने प्रेशर में वो ओपन हो वो उसका हमको पायलट प्रेशर में उतने का ही टैपिंग हम देते हैं, और उसी लोड उसी प्रेशर के अगेंस्ट में हम यहाँ पर ये बायस स्प्रिंग का लोड सेट करते हैं। सपोज करिए हमारा 200 बार प्रेशर बना हुआ है, तब 200 बार से हमको ज़्यादा रखना होगा क्योंकि 200 बार तो हमारा ऑलरेडी होल्ड करके है, तो जब कभी हमारा कैप एंड साइड से प्रेशर आएगा और यहाँ का प्रेशर एक्सट्रीम बढ़ेगा 200 से ऊपर जाएगा, सपोज करिए 210 220, तो हम उसके हिसाब से हम इसका लोड सेट करके रखते हैं कि जैसे ही हमारा सपोज करिए 220 आ गया तो ये हमारा पायलट प्रेशर जब तक 220 नहीं आएगा इस पिस्टन को सिर्फ यहाँ पर टच करके रखेगा, ये पिस्टन हमारा इस पॉपेट को पुश नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के हिसाब से इस स्प्रिंग का लोड सेट है थ्रू एडजस्टिंग स्क्रू। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही 220 बार आता है तो ये पिस्टन हमारा पायलट प्रेशर के थ्रू इस तरफ से मूव होना चालू होता है और ये पॉपेट को धकेलने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है ये इसको पुश कर देता है,
पुश करते ही हमारा ये जो हमारा बी पोर्ट से होल्ड है, यहाँ से तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। अब यहाँ से जो प्रेशर है हमारा, यहाँ से होते हुए दोनों तरफ से यहाँ से उसको ओपनिंग मिल जाती है, ओपनिंग से आकर के हमारा ए पोर्ट के थ्रू टैंक को कनेक्ट होता है, इस तरीके से होल्ड करके रखता है। अब फ्रेंड्स अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो इस पॉपेट में एक ही छोटी सी वेंचुरी टाइप की दिखती है, इसमें एक बहुत ही बारीक सा ऐसा होल होता है। वो किस लिए होता है कि जब हमारा यहाँ पर से ऑयल फ्लो हो रहा है कंटिन्यूस, या यहाँ पर प्रेशर होल्ड करके रख रहा है, उस कंडीशन में कोई भी ऐसा, ये हमने रिजिड पार्ट तो लगाया नहीं है, इसमें मूवमेंट है, तो सम क्लीयरेंस में से यहाँ पर लीकेज अलाउ रहता है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैकेनिकल हमारे पार्ट्स लगे हुए, उनके लुब्रिकेटिंग के लिए भी ऑयल की आवश्यकता होती है। तो वो जो ऑयल यहाँ पर फिल हो गया, अगर यहाँ पर कोई भी वेंचुरी ना हो और परफेक्टली सीलिंग हो, तो होगा क्या फ्रेंड्स, जब यहाँ पर ये पुश करने की कोशिश करेगा, हमारा जो फ्लूड होता है हाइड्रोलिक फ्लूड, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यह एक हार्ड मैकेनिकल लॉक जैसा हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको पुश नहीं करने देगा। तो अगर ये वेंचुरी है तो क्या होगा, जैसे जैसे इसको पुश करेगा तो यहाँ का जो भी वॉल्यूम है ऑयल का, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा, तो ये ऑयल का वॉल्यूम हमारा टैंक को कनेक्ट होता जाएगा, तो इसके मूवमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको क्रॉस सेक्शन व्यू के थ्रू इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।